अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर डायनामिक वर्ल्ड बेटा। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेटा, और आज उसका फाइनल टॉपिक डिस्कस करने का टाइम है। हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया बेटा। पहला था सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने कहा कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है, यानी जो स्टेटमेंट पहले लिखोगे बेटा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो स्टेटमेंट बाद में लिखोगे वो बाद में एग्जीक्यूट होती है। देन हम मूव कर गए सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको 2 स्टेटमेंट्स बताई, और मैंने कहा कि आप इफ देन और इफ देन एल्स नाम की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन द लास्ट स्ट्रक्चर हमारे इस चैप्टर का था बेटा लूप स्ट्रक्चर, और लूप्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी स्टेटमेंट को नंबर्स ऑफ टाइम रिपीट करने के लिए। हमने दोनों लूप्स के दरमियान बड़ा डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया बेटा कि फॉर नेक्स्ट लूप में और व्हाइल व्हेन लूप में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हमारे पास लूप की एक एप्लीकेशन है बेटा, जिसे हम कहते हैं ये हमारा नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप बेटा लूप की टाइप कॉन्सेप्ट नहीं होती, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है के नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हुए या प्रॉब्लम के सिनेरियोस पे डिपेंड करते हम अक्सर एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वो नेस्ट बन जाता है, घोंसला बन जाता है कि आप एक लूप की बॉडी के अंदर ही दूसरा लूप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब अगर आप इस वक्त बेटा मेरे सामने फ्लो चार्ट की तरफ देखें, सो आपको याद है हमने फ्लो चार्ट लूप का कैसे बनाया था। ये इसी तरीके से था कि एक कंडीशन ट्रू हो गई, सो उसके अंदर दोबारा कंडीशन लगा दी आपने। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी सो आप इसके अंदर भी मजीद लूप लगा सकते हैं। अब देखिए फर्क है, डिफरेंस ये है बेटा कि अगर मैं इसके बाहर लूप लगाता यानी फॉल्स होने के बाद कंडीशन लगाता, सो मैं कहता इस प्रोग्राम में 2 कंडीशंस हैं। लेकिन इस वक्त ये सिनेरियो बना हुआ है कि आपने लूप इस्तेमाल किया है लेकिन 2 लूप्स नहीं, आपने लूप इस्तेमाल किए हैं विद इन एन अदर लूप। एक लूप की बॉडी अभी खत्म नहीं थी हुई कि आपने उसको दोबारा शुरू कर दिया। जैसा कि बॉडी से क्या मुराद होता है बेटा, अगर आप फॉर लूप की बात करते हैं सो फॉर वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई स्टेप जी, और देन नीचे आप लोग लूप स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देते हैं। फॉर के एफ से लेकर नेक्स्ट के आगे जो वेरिएबल लिखा है वहां तक इसकी बॉडी है, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसकी बॉडी खत्म होने से पहले पहले इसके अंदर ही लूप लगा दें, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ बेटा, ये देखें 4 लगाया, अभी इसकी बॉडी स्टार्ट ही हुई थी और इसका नेक्स्ट अभी बहुत दूर था, तो मैंने उसकी बॉडी में एक नया 4 लूप लगा दिया। आप देखें इसको खत्म किया है, सो 2 दफा नेक्स्ट लगा हुआ है, एक दफा नेक्स्ट एक्स के लिए यानी इस वाले लूप के लिए बेटा, और एक दफा नेक्स्ट बेटा वाई के लिए यानी दूसरे वाले लूप के लिए। सो एक्चुअली हमने किया क्या, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि एक प्रोग्राम में 3, 4, या 5 लूप इस्तेमाल करना नेस्टेड लूप कहलाता है। मैंने ये कहा है कि एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल करना नेस्टेड लूप होता है। कभी भी मल्टीपल लूप्स नेस्टेड नहीं कहलाएंगे, हमेशा तब नेस्टेड लूप बनता है जब आप एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप ही लगा हुआ है, क्या हम व्हाइल लगा सकते हैं बेटा? बिल्कुल लगा सकते हैं, आप फॉर लूप के अंदर व्हाइल यूज कर सकते हैं, आप व्हाइल में फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप व्हाइल में व्हाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। So, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया बेटा कि नेस्टेड लूप क्या होता है। So, मैंने आपको बेटा बताया कि जब भी एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल करना पड़ता है, सो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है नेस्टेड लूप। सो क्या कहलाएंगे, अ लूप विद इन एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। घोंसला ऐसे ही बनता है बेटा, अगर आप घोंसले की बात करते हैं सो इसी तरीके से बेटा तिनके जोड़े जाते हैं ना, सो एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे में तीसरा लूप, ये नेस्ट बन जाता है। डन हो गया बेटा। सेकंड आप हेडिंग बनाएंगे कि नेस्टेड लूप के अंदर 2 तरह के लूप्स इस्तेमाल होते हैं, इनर लूप और आउटर लूप। जाहिर सी बात है 2 इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक को आप इनर कह दोगे एक को आउटर कह दोगे। तो अगर इस एग्जांपल में बेटा आप देखें सो ये आउटर लूप है, ऑब्वियसली इस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है, और जो अंदर लगा हुआ बेटा वो उसका इनर लूप कहलाता है। क्लियर हो गया?
और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा हमेशा इनर लूप आउटर लूप पर डिपेंड कर रहा होता है। कैसे, अब ये समझ लें बेटा। देखें, ये जो लूप ऊपर लगा हुआ है जिसको हमने y से डिनोट किया है, y वेरिएबल जिसमें बेटा इस्तेमाल किया है, ये आउटर लूप है, और x जिसमें यूज किया है वो इनर लूप है। बेटा जब तक y वाला लूप चलेगा तब ही अंदर वाला लूप चलता है, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगली कंडीशन चेक होगी। अब सपोज करें कि y वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसको 5 से 1 तक चलाना था। अभी बेटा इसकी डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने इसको 5 से 1 तक चलाना था, फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई है 6 आ गई है, सो 6 इनमें मैप नहीं कर रही, इसका मतलब है आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है। सो वो ये 20 भी नहीं चलाएगा, 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 50 भी नहीं, 60 भी नहीं, डायरेक्ट प्रोग्राम एंड कर देगा, लूप की कंडीशन ही नहीं चली। ये देखें, कंडीशन जब फॉल्स हो गई है अगला लूप नहीं चेक करेगा, वो बेटा प्रोग्राम पॉइंटिंग की तरफ ले जाता है। समझ आ गई है बेटा, यानी लूप से बाहर ले जाता है। ये कॉन्सेप्ट था बेटा आपके नेस्टेड लूप का, इनर लूप आउटर लूप, और हमेशा मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा, इनर लूप ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द आउटर लूप। हमेशा इनर लूप जो है वो आउटर लूप पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है बेटा, बड़ा दरवाजा खुलेगा तो अंदर वाले छोटे दरवाजे खुलते हैं ना बेटा। सो आउटर लूप जब तक कंडीशन ट्रू नहीं देता तब तक इनर लूप कैसे एग्जीक्यूट करोगे बेटा। ओके, ये तो हमारी कंप्लीट होगी। इस एग्जांपल को समझना है जिसकी आउटपुट ये है। नाउ रेडी हो जाएं, इजी हो जाएं बेटा, फ्रेश हो जाएं। बड़ी मुश्किल एग्जांपल है लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से समझने लगे हैं। अब जरा सुनिएगा, मैं 3 लूप की आइट्रेशंस बेटा आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला जब लूप पहली दफा चलेगा तो जरा देखें, y की वैल्यू क्या है, 5। ओके, y की वैल्यू 5 है। ओके, लूप सही है अभी जी, 5 से 1 तक चलना है बच्चों, तो लूप ठीक है अभी। ओके, वो अगली लाइन में आएगा, यहां पर वो कहता है x is equals to 1, लेकिन दूसरी वैल्यू आ गई x is equals to 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, सो प्रिंट क्या कर देगा, स्टार ले जी, पहला स्टार प्रिंट हो गया, क्लियर, पहला स्टार प्रिंट हो चुका हुआ है। ओके, ये स्टेटमेंट गई। नेक्स्ट ऑफ एक्स का क्या मतलब है बेटा, आपको बताया था मैंने, नेक्स्ट का मतलब होता है कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अब किसकी तरफ होगा बेटा, एक्स वेरिएबल की तरफ। एक्स कहां है, ये लिखा हुआ है, सो कंट्रोल यहां दोबारा लाइन नंबर 20 पे आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, रिपीट करता हूं, मल्टीपल टाइम्स बताऊंगा, परेशान नहीं होना बेटा, लेकिन बहुत आसान और बहुत मजेदार चीज है। अगर आपको ये चीजें आ जाती हैं तो आप स्क्रीन के अंदर मल्टीपल आइटम्स बना सकते हो, और इसी को प्रोग्रामिंग कहा जाता है बेटा। क्या हुआ, लूप स्टार्ट हुआ, वाई की वैल्यू 5 थी, ओके, एक्स की वैल्यू 1 थी, फाइन, हमने स्टार प्रिंट किया और दोबारा चले गए एक्स की तरफ। अब एक्स की तरफ अब जब आप गए हो बेटा, सो इसके आगे लिखा हुआ है, अब देखें यहां पर कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, ना स्टेप 1 है, ना स्टेप 2 है, ना स्टेप -1 है, कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब स्टेप 1 नहीं लिखा होता सो इट इज प्री डिफाइंड, इट इज ऑब्वियस कि इंक्रीमेंट 1 ही होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, एक नई चीज है बेटा, कि अगर आपने अगर नंबर्स प्रिंट करने हैं ना 1 2 3 4 5, एक एक प्लस हो रहा है ना बेटा, सो अब आप अगर इंक्रीमेंट का नहीं भी बताएंगे ना फॉर लूप में, अगर आप स्टेप 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी उसको पता चल जाएगा कि इसमें एक एक ही प्लस होना है, फाइन बेटा। ओके, अब यहां स्टेप 1 हो गया, सो स्टेप 1 की वजह से जो x की वैल्यू बेटा पहले 1 थी, अब वो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके बेटा, स्टेप 1 हुआ, 1 की जगह पर वैल्यू क्या स्टोर होगी बच्चों, 2 स्टोर होगी। ओके, चेक करें 2 कहां तक चलना है, y तक। तो बेटा जरा चेक करें, इस लूप को हमने चलाना है 1 to y, 1 वाला तो चल गया, एक स्टार प्रिंट हो गया, अब बारी आ गई 2 की, ले जी यहां वैल्यू है 2, चलना कहां तक है बेटा, चलना है 5 तक। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू इस वक्त क्या है बेटा, y की वैल्यू 5 है। ओके, ये हमने काम कर लिया, अभी 2 है, 2 की वजह से फिर स्टार प्रिंट होगा, लेकिन दूसरा स्टार भी प्रिंट हो गया, फिर ये नेक्स्ट की वजह से ऊपर जाएगा, अब x की वैल्यू 2 की बजाय बेटा 3 हो जाएगी, 3 होगी, फिर नीचे आएगा, फिर स्टार प्रिंट करेगा,
अगेन ऊपर मूव कर जाएगा, अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी होगी, एक एक प्लस होता जा रहा है ना बेटा, अगेन स्टार प्रिंट होगा, अगेन ये ऊपर जाएगा, अब इसकी वैल्यू 5 हो चुकी हुई है बेटा, तो अगेन ये लास्ट वाला स्टार जो है प्रिंट हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करें, अब x की वैल्यू होगी ये 5, ये देखें होनी कहां तक चाहिए थी, 5 तक, ओके 5 तक पहुंच गई है। अब जब इंक्रीमेंट होगा तो अब वैल्यू हो जाएगी 6 बेटा, लेकिन अब कंडीशन हो गई है फॉल्स, 5 तक लूप ने चलना था, अब 5 हो गई है, 6 की बारी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, होगा क्या, अब ये देखें, यहां तक काम आपका हो रहा था, अभी ये 3 लाइंस चल रही थी बेटा, ये 3 लाइंस एग्जीक्यूट हो रही थी, अब ये लूप टर्मिनेट हो गया क्योंकि x वाला लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है, x की वैल्यू हो गई है 6, होनी कहां तक चाहिए थी, y तक, यानी 5 तक, फाइन बेटा, अब ये आएगा नीचे वाली लाइन में, यहां पर खाली प्रिंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, खाली प्रिंट लिखा हुआ है। अब खाली प्रिंट का मतलब क्या है बेटा, खाली प्रिंट लगाने का मतलब है आपका कंट्रोल यहां से उठेगा और न्यू लाइन के बिल्कुल पहली लोकेशन पर चला जाएगा। सो ये हमारा इस वक्त कर्सर यहां पर मौजूद है, ओके जी, इसकी वजह से नेक्स्ट लाइन में गए हैं हम, अगली लाइन में लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑफ वाई, यानी अब ये वापस कह रहा है तुम बड़े लूप की तरफ चले जाओ, वाई ये लिखा हुआ बेटा, सो यहां से कंट्रोल ट्रांसफर होगा लाइन नंबर 10 में। अब स्टार्ट होगा बेटा आइट्रेशन नंबर 2, लूप नंबर 2। अब चेक करें, स्टेप माइनस 1 की वजह से y की वैल्यू 5 की बजाय क्या हो चुकी है, अब 4 ले बेटा, y = 4। आप सोच रहे होंगे सर कि ये क्या आप एक वैल्यू उसको बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, बेटा जब भी लूप नेक्स्ट से होके ऊपर आता है ना बेटा, सो या वैल्यू इंक्रीज होनी है या डिक्रीज होनी है। अभी तक हम चल रहे थे इनर लूप में, ये इनर लूप है बेटा 20 30 40, सो इसलिए हर दफा x की वैल्यू में एक प्लस हो रहा था, 1 2 3 4 5 तक हुआ, 5 स्टार प्रिंट हुए, 6 वैल्यू हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप टर्मिनेट हुआ, हम आगे लाइन नंबर 50 पे जो कि लिखा हुआ है प्रिंट। सिर्फ प्रिंट लगने की वजह से बेटा आपकी कंट्रोल को यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। देन लिखा था नेक्स्ट ऑफ वाई, बड़े लूप की तरफ, मैंने क्या कहा, जब भी नेक्स्ट चलती है सो वेरिएबल में या तो कुछ प्लस होता है या कम होता है, तो यहां लिखा हुआ स्टेप माइनस 1। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक वैल्यू कम हो जाना, सो y की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, पहले y की वैल्यू क्या थी 5, ओके जी, लें जी, अब y की वैल्यू 4 है, लूप चलेगा, नेक्स्ट वाला x इज इक्वल टू 1, फिर से दोबारा x की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 1, अब इसने चलना कहां तक है y तक, अब y की वैल्यू 4 है, पहले 5 थी, सो हमारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया है कि जब y की वैल्यू 5 थी सो 5 स्टार प्रिंट हुए थे, अब y की वैल्यू बेटा 4 है सो बारी बारी 4 स्टार प्रिंट होंगे, फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ये घूम के ऊपर आएगा नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद, स्टेप माइनस 1 की वजह से y की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी, y की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी, अगेन छोटा लूप चलेगा इनर लूप, अब 3 स्टार प्रिंट होने हैं, प्रिंट की वजह से अगेन नेक्स्ट लाइन में आओगे बेटा, अगेन नेक्स्ट की वजह से ऊपर जाओगे, स्टेप माइनस 1 की वजह से y की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो देन 2 स्टार्स प्रिंट होंगे बेटा, और फाइनली प्रिंट की वजह से आप लास्ट लाइन में आएंगे और माइनस 1 की वजह से y की वैल्यू अब 1 रह गई हुई है, सो लास्ट में बेटा एक स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आप सिर्फ ये सुन लें, अब y की वैल्यू 1 चल चुकी हुई है, आखिरी स्टार प्रिंट हो चुका हुआ है, अब y की वैल्यू होनी है 0 इसकी वजह से, माइनस 1 की वजह से, लेकिन अब तो कंडीशन फॉल्स नहीं हो गई, देखें y is equals to 0 to 1, तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, देखें 5 से 1 तक चलना था, वैल्यू हो गई 0, तो कंडीशन फॉल्स, अब ना इनर लूप चलेगा, ना ये प्रिंट चलेगा, ना नेक्स्ट y चलेगा, लास्ट में कंट्रोल चला जाएगा एंड पर, और आपके ये 5 स्टार्स जो हैं ये प्रिंट हो चुके हैं। क्या सीखा आपने, मेन कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूं बेटा वो आपको क्या है, प्रोग्राम तो जुबानी भी याद कर लेंगे, वो ये है, देखें कि जब तक y की वैल्यू चलती रही है तब तक इनर लूप स्टार्स प्रिंट करता रहा है, जैसे ही y की वैल्यू फॉल्स हुई है उसने इनर लूप को हवा भी नहीं लगाई और प्रोग्राम डायरेक्ट एंड की तरफ मूव करवा दिया है। तो ये बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपका नेस्टेड लूप का,
इस लेक्चर के अंदर हमने अपने चैप्टर नंबर 3 को फाइनलाइज कर दिया बेटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।